बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगा दे, और जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज चूंकि आराम का दिन है, आज जुमा है, आज आराम का दिन है, और कल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबले होंगे कैंडी के नज़दीक वाके पाली के लिए क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें 35,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। श्रीलंका ने कल के मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराया, होम ग्राउंड होम क्राउड का एडवांटेज उसने हासिल किया। अब उसी मैदान पर पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में हर रोज की तरह पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर और फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद। सेलेक्टर्स के हवाले से हम शुरू करते हैं। जावेद भाई, 25 लाख रुपये महाना जब आप क्रिकेट खेलते हैं, तवक्को कर सकते हैं एक चीफ सेलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है 25 लाख रुपए महाना और 3 साल का मुआहदा। अगर उससे पहले मुआहदा खत्म होता है तो 75 लाख रुपए 3 महीने के देने पड़ेंगे। बहरहाल क्या कह सकते हैं, कोई मतलब कोई कमेंट्स भी आदमी क्या दे रहा है। ये तो सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद पास ऐसा अच्छा पैसा है, हाँ, तो फिर नॉट ओनली सिलेक्टर क्रिकेटर्स को, दूसरे भी जो है ना, हाँ, जैसे एक तो चीफ सिलेक्टर होता है, फिर दूसरे छोटे सिलेक्टर्स 3-4 जो होते हैं वो भी, या फिर क्रिकेट को जो क्रिकेट की फीस है, हाँ, वो बच्चों की भी बढ़नी चाहिए, सारी चीजें बढ़नी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट कम फर्स्ट। बिल्कुल, अगर आप जिनके दम से खेल रहे हैं, जो नीचे से आ रहे हैं, उनके पैसे जरूर बढ़ने चाहिए, उनको भी इस तरह का मिलना चाहिए पैकेज जो उनको समझ आए कि हाँ जी एटलीस्ट हम खेल रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं। बादल, ये तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जिसके जो करना चाहे जिस तरीके से, मगर जंगल का बात एक्सप्लेनेशन जो है वो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि देखे अगर ये चीज अब है तो आगे का क्या होगा। सही, आगे कैन भी मतलब बढ़ सकते हैं पैसे और लोग आ सकते हैं। सही, अगर आज ऐसा है तो आगे जाके तो इससे डबल आना चाहिए। ठीक है, अब देखना ये है क्या। बादल, गुड लक। गुड लक। तो आप भी सिलेक्टर रहे हैं, माशाल्लाह 25 लाख रुपए मल्टी नेशनल के भी चीफ एग्जीक्यूटिव की कुछ कम तनख्वाह होती है, एक दो इदारे ऐसे हैं। आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी सिलेक्टर की? 1,50,000 2015, जो कि बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं, 8 साल पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे। अच्छा, तो और उस वक्त जाहिर सी बात है कि 2-3 सेलेक्टर, अब तो शायद अब उन्होंने एक ही की जिम्मेदारी लगाई, कोई सेलेक्टर नहीं होंगे, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रेडबर्न से वो मशावरत करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मजे की बात ये भी है कि ये सिर्फ ऑन हिज ओन सिलेक्शन नहीं कर रहे, हाँ, तो अब अंदाजा लगाएं कि 12-13 प्लेयर तो पाकिस्तान टीम में सिलेक्टेड होते हैं, हाँ। कोई भी रोड भी चलता हुआ प्ले कोई बंदा जा रहा हो ना, उसे भी बता देगा, वो भी बता देगा कि ये 12 तो है ही, हाँ, इसके अलावा ये 3-4 प्लेयरों में से 2-3 आएंगे, हाँ। तो अब इससे अंदाजा लगाएं कि ब्रेडबर्न और दूसरा मिकी आर्थर और माशाल्लाह, हाँ, तो वो कितनी अमाउंट ले रहे हैं, मिकी आर्थर ब्रेडबर्न भी ले रहे हैं और माशाल्लाह इंजमाम को भी मिल रहे हैं, तो एक जो 2-3 प्लेयर हैं वो कितने एक्सपेंसिव पड़ेंगे सिर्फ सिलेक्शन चूज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही यहाँ, और परफॉर्मर ही सेलेक्ट होगा, हाँ। वो तो अपना झंडा गाड़ चुका है कि जी मुझे सेलेक्ट करें, 4-5 ऐसे, हाँ, प्लेयर होते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो तो सिलेक्शन तकरीबन होती है। तो इसके अलावा मेरा अंदाजा है इकबाल भाई के इसमें और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत सी नई चीजें हो सकती हैं, जावेद भाई, आपको प्लेयर्स फ्रॉम यस्टर ईयर्स को लुक आफ्टर करना चाहिए। अगर यहाँ प्लेयर वो कमेटी जो प्लेयरों की जो होती है दुनिया भर में एसोसिएशन पाकिस्तान नहीं है, तो वो इन प्लेयरों के लिए जो प्लेयर जो खेल चुके हैं, जो इन नीड ऑफ द जो प्रॉब्लम जरूरत है, उनको उनके लिए कुछ इंसेंटिव ऐसा रखे ना, कम से कम 2-5 लाख ही उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो हर साल हर सीरीज में किसी ना किसी प्लेयर को वो दिए जाए, तो वो कितनी खुशी की बात होगी कि आप उनको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं एंड येट यू आर पेइंग देम सम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। सही, हो सकता है ये गलत न्यूज़ भी नहीं, जावेद भाई ये कंफर्म खबर नहीं, मैं मतलब ये खबर कंफर्म है, ये मैंने खुद भी क्रॉस चेक किया है, कंफर्म है, तो खबर कंफर्म है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन ये कंफर्म है, जराये से ऐसे अमाउंट नहीं, खुद ब खुद हमने अपनी तरफ से कर दिया, ये खबर छपी है अखबार में, जंग अखबार में खबर छपी है और अमाउंट कन्फर्म है।
इसका मतलब गुड लक तो जो भी है माशाल्लाह। आप जब डायरेक्टर जनरल थे तो उस वक्त कोई ऐसी तजवीज आई आपके सामने कि सिलेक्टर को 20-25 लाख रुपए माना दे दो? नहीं नहीं, देखिए सिलेक्टर का इससे पहले भी इतनी मुनी नहीं है, मगर आज के दौर में यू नेवर नो कि अगर पैसा बोर्ड के पास ज्यादा आ रहा है तो, मगर वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फिर आगे वालों के लिए भी, जो और भी है, जो खासतौर जो पीसी के एम्प्लॉय है पीसीबी के, वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी ने सोचा बेचारे इतने इतने सालों से माली है वो, उनको कोई पूछता नहीं है। साफ सही कह रहे हैं। मैं अगर हूँ पीसीबी तो मैं सबसे पहले इन लोगों के बाद फिर दूसरों का भी, क्योंकि आपको वो भी देखना चाहिए जब आप इदारे के उस लेवल पे होते हैं ना, आपकी नजरें सब जगह होनी चाहिए, और खासतौर आजकल के महंगाई में ये जो गरीब वहाँ जो काम जो बेचारे कर रहे हैं, लोडर हैं, जो ग्रास करते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा तजर्बा है इस क्रिकेट से सारा कुछ, और हम देखते थे कि बल्कि हम अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, मगर हम सपोर्ट करते थे, बिल्कुल होना चाहिए, जिसका जो होता था वो अक्सर आते थे। तो हम शोएब, जिस तरह जावेद भाई ने भी आपने भी तजवीज पेश की कि निचले लेवल पर अगर इतना पैसा है बोर्ड के पास, ठीक है दे, किसी को एतराज नहीं चाहिए, सिलेक्टर को दे, लेकिन वो पैसा बाकी पैसा जो है वो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट के फरोग के लिए खर्च किया जाए कि नहीं? डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है, अभी तक टीमों का ऐलान नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्टर डोमेस्टिक जुनेद जिया है, जिनका खुद बॉलिंग एक्शन मशकूक था, तौकीर जिया साहब के साहबजादे हैं, जब 2002 का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, हारून रशीद उस टीम के साथ थे, तो जुनेद जिया का एक्शन जो है सस्पेक्ट एक्शन करार दिया गया। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 4 वनडे खेले जब उनके वालिद चेयरमैन थे, और उन्होंने 4 वनडे में सिर्फ 3 विकेटें ली, और एवरेज भी बहुत ज्यादा था। अब वो डायरेक्टर डोमेस्टिक है, तो देखना चाहिए ना कि लड़कों को क्या मिल रहा है, जो जावेद भाई का वही वैलिड पॉइंट आता है, लड़कों को भी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों को देखें, प्लेयर तो जो साल भर खेल रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत लुक्रेटिव अमाउंट्स उनको मिली, जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम हो वो जब होगा कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हो। किन चीजों में पाकिस्तान के चीजें लैक करती हैं? विकेटें बहुत अच्छी नहीं बनती, इसलिए कि उनकी एजुकेशन या तो कम है, उनको ज्यादा एजुकेट करना चाहिए, उनको पैसे भी एक अच्छी अमाउंट देनी चाहिए ताकि खेले हुए प्लेयर्स भी इस फील्ड के अंदर आए। एक चीज, दूसरी चीज अंपायरिंग का जो एस्पेक्ट है मैयार, उसमें भी अच्छे जो खेले हुए प्लेयर हैं, पढ़े लिखे हैं और जो समझते हैं गेम को, वो अंपायर उसके अंदर उस फील्ड में जब आएंगे ना, कि जब पैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे इस तरह, उनको उस तरह से इज्जत मिलेगी, इंसेंटिव मिलेंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना। ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि यहाँ ये वो कॉर्नर्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा सकती है, लेकिन अभी नहीं इसलिए जा रही कि वहाँ वो लोग नहीं है, इसलिए वो पेमेंट उस तरह। अब वक्त बदल गया जावेद भाई, 76 में जब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था लाहौर में, कितने पैसे मिले थे गद्दाफी स्टेडियम? अरे उसमें तो 1000-2000 वाला हिसाब था। अच्छा, बस बाकी आहिस्ता आहिस्ता है वो हाईएस्ट पेड एंड में 7 हुए, फिर 8 हुए, इस तरह के मतलब बदल। देखिए मैं ये कि टाइम टू टाइम बदल रहा है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, आज में और पहले में बड़ा फर्क है, पहले के जो जितने मिलते तो उसके हिसाब से थे। आपको देखना है कि आया आप कितना दे रहे हैं अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, कि हाँ जो जिस तरह से डिजर्व करता है जिस लेवल पे, उस तरीके से है ना आपका है ना इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आया तो मैंने उठा के ये कर दिया, ये नहीं। पैसा देखें, ये अवाम का पैसा है। बिल्कुल, अवाम इनके गर्दन पकड़ लेंगे क्रिकेटर्स के दम से, ये हो सकता नहीं आएगा वक्त, क्योंकि लोग यहाँ देखें लोगों के पास खाने को नहीं है यार, जब ऐसी चीजें आती है तो इसीलिए तो फिर लड़के फिक्सिंग क्यों की है पता कि पैसे, फिक्सिंग इसीलिए कि हमें कल का पता नहीं है। सही है, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों ने जो फिक्सिंग की थी वो यही थी कि कल सनू काट देंगे, हम कितने जाएंगे, तो इस वजह से ये चीज है। ठीक है, आप पैसा दें, मुनासिब दें। शोएब, जावेद भाई ने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया, आपको कितने मिले थे जब आप पहला टेस्ट 83 में खेले थे ना जहीर अब्बास की कप्तानी में इंडिया में? क्योंकि ये अवाम का पैसा है, अवाम के ऊपर सबसे बड़ी बात ये है, अवाम के पैसे को बेदर्दी से खर्च किया। क्या कहेंगे शोएब आप? मैं 5-6 हजार मुश्किल से मिलते थे एक
और जब मैं बहुत सीनियर हो गया और इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह में भी नाम आ गया और तमाम परफॉर्मेंसेज वगैरह, तो मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच के 13,000 रुपये मिलते थे और पूरी सीरीज में वो 30-40 हज़ार रुपये होते थे। तो जब सीरीज खत्म होती थी तो आप एक चीज खरीद सकते थे, कोई सोफा कभी ले लिया है या कभी एसी एक ले लिया। अब तो गाड़ी, अब तो कार ले सकते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह इनको सबको। और लेकिन मिलने चाहिए टाइम तो मिले, अच्छे मिले, बिल्कुल मिले, मगर प्लेयर को जो है ना प्लेयर टोटल खास तो खेलने वाले जो उनको जिनके दम से क्रिकेट है बहुत डिजर्विंग होते हैं। अभी तो जावेद भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया खिलाड़ियों ने, जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, जुलाई अगस्त खत्म हो रहा है, अब आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन था। देखिए ये सोच आप करेंगे ना आपको समझ आए, आप करेंगे समझ आए, हमें भी समझ आए क्योंकि खेलते भी आए हैं, देखते भी आए हैं, सब कुछ आए हैं। तो जो जिसका यानी के एक जो यानी हक है ना एक तरीके से, उसको वो चीजें मिलनी चाहिए। और आज के दौर में ठीक है पैसा आया है जरूर मिलना चाहिए, मगर उसको ऐसा ना हो कि हर आदमी उसके ऊपर आवाज उठाए और कहे कि यार ये अनबिलीवेबल है, इतना नहीं है मतलब भाई। अभी शोएब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ज़काशफ की मीटिंग हुई थी श्रीलंका में खिलाड़ियों से, तो ये तजवीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आई है कि 2-3 खिलाड़ी जो कि सिर्फ एक लीग खेलने की जिन्हें इजाजत होगी उन्हें 45 लाख रुपए माहाना रिटर्न वो दिया जाए, रिमुनरेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ 45 लाख रुपए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम शामिल हैं, और उन्हें यह कहा जाए कि वो सिर्फ एक लीग खेल सकते हैं, पीएसएल तो खेलें लेकिन एक लीग खेल सकते हैं। आप समझते हैं ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? देखिए एक लीग का अच्छा वो है कॉन्सेप्ट आइडिया जो है, इसी के बहुत सारी जब लीग में हमारे प्लेयर जाते हैं जाते रहे जो तो मेंटल फिटिक भी बहुत होती है, ट्रैवलिंग होती है, फिर वहाँ मैचेस इसे के आपको प्रूव करना होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो एग्जॉशन बिल्कुल वहाँ हो जाती है। और परफॉर्मेंस फिर जब वो पाकिस्तान के लिए आते हैं तो वो एक्सपोज होना शुरू होता है, कभी इंजरी हो गई तो मेजर डेंट पड़ता है कंट्री को। लीग वगैरह पे ऐसा अफेक्ट नहीं होता, उनके पास बहुत से और ऑप्शन होते हैं उस तरह के। जब भी ऐसे प्लेयर हैं और जो जाते हैं प्लीज जाएं, जरूर जाएं, खेलें, मगर जो फिटनेस और जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट को चाहिए होगी वो उसके ऊपर बराबर उतरते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप उनको कंसीडर ना करें ना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे, ये होना चाहिए, सारी दुनिया में ये है इसलिए वो रहना कर देते हैं। हमारे वहाँ के जो प्लेयर है ना वो खुद समझते हैं इन चीज को कि नहीं कंट्री कम फर्स्ट, आई शुड लीव दिस। जिम्मी एंडरसन को देख लें, वो T20 वगैरह नहीं खेलता, वो टेस्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है और उसकी कितनी विकेटें हैं, फास्ट बॉलर। एक सिस्टम बनना चाहिए, ये नहीं कि आज मैं आया आप कल आए परसों आए, कल तक के जो प्लेयर थे अगर जो ले रहे थे वो तो बेचारे यूं सुन के तो रोएंगे ना कि यार हम क्यों नहीं है इस टाइम पे। तो बादल जो भी चीज होनी चाहिए, हक होना चाहिए, हक मिलना चाहिए, मगर उस लेवल पे हो कि जो जिस तरीके से बराबरी की बात। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने अब तो बात कर ली खिलाड़ियों के मुआवजे के हवाले से, लेकिन कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, उसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगा दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगा दे और इसमें हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जावेद भाई कल जो मैच हुआ पाली केले में, पहला मैच था जिसमें बांग्लादेश हार गया 5 विकेटों से, उस विकेट के बारे में, और गर्मी बहुत थी और विकेट स्पिन भी ले रहा था, तो आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमारा तो मेन अटैक जो है फास्ट बॉलर्स का, आप समझते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर इतने मौसर साबित होंगे? देखिए हमारे ठीक है फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ बिल्कुल इफेक्टिव होंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे फास्ट बॉलर और ओल्ड बॉल जो है वो ज्यादा बहुत अच्छा यूज करते हैं, राइट, उनको आता है किस तरीके से। आपको पता है पाकिस्तान में खेलते रहे अक्सर ना पुराना गेंद जो है वो ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत है ना ओपनिंग में, राइट। सही, तो ये अब मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्लेयरों के लिए कोई भी विकेट आएगी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। मेन चीज ये है कि हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो निभानी होगी। नंबर वन क्रिकेट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हर आदमी अपने तौर पे उसको ले,
अपना माइंड बनाए कि मैंने क्या करना है, किस तरह करना है, विकेट ऐसी है, इस विकेट पे मैं क्या करूं। जब तक वो अपने आप को एजुकेट नहीं करेगा इस लेवल पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शोएब, जिस तरह से अब पाली केले में मैच है, आपने देखा होगा कल जो मैच हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका का, कुछ गेंद रुक कर भी आ रहे थे, बैटिंग काफी डिफिकल्ट थी। तो अब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इंडिया, और इंडिया जो है बगैर कोई मैच खेले आराम करके आ रहा है। पाकिस्तानी टीम ने मैच खेला बुध, और फिर उसके बाद बुध की रात 3 बजे वो पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंची, और कोलंबो से फिर उसके बाद ट्रेवल करके वो कैंडी पहुंची। 118 किलोमीटर का फासला है कोलंबो और कैंडी के दरमियान, बाय रोड गए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा थका हुआ होगा और भारतीय टीम फ्रेश होकर मैदान में उतरेगी? बिल्कुल मेंटली जरूर फ्रेश होंगे, और लेकिन प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीमों के साथ हैं। पाकिस्तान की टीम एक विनिंग स्ट्रीक के साथ खेलती हुई आई है पिछले दिनों, और एक बबलिंग विद कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, और फिर इंडिया की टीम को दे हैव टू प्रूव वंस मोर कि वो दुनिया की एक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टीम्स में से है। और जिस तरह कल हमने मैच देखा श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो उसके अंदर देखें पिच के अंदर बाज दफा तो बिल्कुल स्क्वायर टर्नर, बहुत ही शार्प ऑफ स्पिनर की गेंदें टर्न होती हुई नजर आई। तो ये मैच कोई बहुत बड़ा 300 प्लस रन का मुझे तो नजर नहीं आ रहा, 250 245, 165 ही कर सकी ना बांग्लादेश की टीम सिर्फ। जी हाँ। जी एग्जैक्टली, तो वही इसी के, और इसमें इंडिया पाकिस्तान के अंदर प्रेशर सिचुएशन, कहीं गलत टाइम पे अगर एक लूज शॉट मार के आउट हुआ तो टीम को बहुत ज्यादा जो जो डेंट पड़ता है वो ड्रेसिंग रूम तक उसका इफेक्ट जाते हैं, और फिर जो नया बैट्समैन है वो भी आके उस तरह के शॉट्स नहीं खेल सकता जिस तरह हमारे पाकिस्तान वाले मैच के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू में 2 विकेटें गिरी, तो हमारे दोनों स्टार बैट्समैन दुनिया के टॉप 1 और 3 4 नंबर के बैट्समैन, लेकिन वो अपने शॉट शुरू में नहीं खेल सके। जब बिल्कुल उन्होंने एक स्टेबल वो आगे बाबर और इफ्तिखार फिर शॉट खेले, ठीक है। तो ये मेरा मतलब है कि फास्टर बॉलर्स पे भी आसान नहीं होगा, जैसे आपने बताया और हमने देखा कि गेंद रुक के आ रहा है, तो वो मुश्किलात दोनों टीमों को जरूर होंगी, लेकिन पहली बारी के अंदर शुरू में और ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन वो फिर सेल थ्रू कर सकती है। आप समझते हैं अनचेंज्ड होगी पाकिस्तान की टीम जो कॉम्बिनेशन डेवलप होगा? मैं मेरा नवाज और शादाब 2 स्पिनर्स होंगे और 3 फास्ट बॉलर, अगर बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी तो सलमान को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बॉलिंग में, तो टीम में तो है ना। जी हाँ, जी हाँ, मेरा यही अंदाजा है कि सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ठीक है जावेद भाई, आप क्या समझते हैं हम किस पे स्पिनर्स हमारे अच्छे हैं, नवाज और शादाब, और वही हम कॉम्बिनेशन लेके उतरेंगे जो हमने नेपाल के खिलाफ खेले थे या जो आखिरी वनडे हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता था? आप समझते हैं चेंज तो भारत के खिलाफ करना मुनासिब नहीं होगा इस मौके पर? नहीं बिल्कुल, जो इन फॉर्म है जिन्होंने अच्छा किया है वो तो सारी सिलेक्शन अगर देखना चाहिए कि भाई हमारे जो 2 मैच हुए हैं या जिसमें ना क्या परफॉर्मेंस किस तरीके से किया, तो ये जजमेंट हो सकती है। उसमें आप अगर कोई विकेट को देख के कुछ चेंज करना चाहते हैं दैट इज डिफरेंट। अब देखना ये कि उनको भी एनालाइज करें कि कहाँ पर ये वीक है, कहाँ पर अच्छे हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं ना, स्पिनर्स को खेलते हैं, तो फिर आपके पास अगर स्पिनर्स फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो स्पिनर की जगह फास्ट बॉलर को ज्यादा दें, क्योंकि वो आपको है ना लाजिम आते हैं कि उनको इफेक्टिव होंगे। स्पिनिंग को जो अच्छा खेलता है उसके लिए कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती है, तो हमें जानना चाहिए अगर हमारे पास पेस अच्छी रहेगा। वेस्ट इंडीज जब हमारे टाइम पे खेलती वो 4 फास्ट बॉलर सीधे खिलाते थे क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ही वही थी, तो हमें देखना कि हमारी स्ट्रेंथ कहां पर है। भारत में जाना, अगर बैटिंग को देखें रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरियां बना चुका है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, और फिर विराट कोहली उनके साथ हैं, फिर उनके अलावा उनके दीगर बैट्समैन जो हैं, आप समझते हैं कि भारतीय बैटिंग लाइनअप रोहित शर्मा और विराट कोहली के गिर्द रिवॉल्व करेगी? इसमें कोई शक नहीं इकबाल भाई, और उनके सूर्य कुमार भी एक वो अभी थोड़ा सा आउट ऑफ टच है, T20 में रन कर रहा है, वनडे में फेल हो रहा है। और शुभमन गिल को देखा है आपने जो उनका ओपनर है, उसने डबल सेंचुरी उसने भी बनाई हुई है वनडे में, और बड़ा जबरदस्त स्टाइलिश प्लेयर भी है। लेकिन देखिए ये 2 ऐसे स्टार्स हैं ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड के रिवॉल्व अपने ऊपर लेके चलते हैं, पूरा पूरा गेम को थोड़ी देर के अंदर अपने हिसाब से चलाते हैं। सही, ये वो क्लास के बैट्समैन हैं, लेकिन इन तो इस वजह से इनकी जो विकेटों की प्राइस भी जो है वो मच
हायर होती है और स्टेक पे भी होती है और कॉन्फिडेंस जो ड्रेसिंग रूम का जो हेल्दी एनवायरनमेंट इनकी सेंटर पे शक्ल नजर आ रही हो बड़ा तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। अच्छा आप समझते हैं शुभमन अब तो के केएल राहुल नहीं खेल रहे इब्तदाई दो मैचेस, आप समझते हैं शुभमन गिल ही ओपन करेगा रोहित शर्मा के साथ? अंदाजा तो इस वक्त क्योंकि वो रेगुलर ओपनर अंडर 19 से आया और उसने बड़े रन स्कोर किए, लेकिन लेटली उनके बड़े अच्छे उनके बैट से देखने में आए जो रन, कॉन्फिडेंस उन्हीं के ऊपर होगा मेरा भी यही अंदाजा है। और लेकिन वही बात है कि हमारे बॉलिंग अटैक जो शाइन शुरू के ओवर में आउट करते जो लाते हैं अब वो दो पिछले दो तीन साल में अब इसकी आर्टिस्ट्री जो है शाइन की वो समझ भी चुके होंगे और वो अंदर आने वाली बॉल के ऊपर मोस्ट डेफिनेटली ज्यादा तैयार होंगे। अगर वो उसका सेव कर जाते हैं शुरू के सात आठ ओवर में कोई विकेट नहीं देता है इंडिया तो फिर वो ज्यादा बड़ा स्कोर 270 प्लस रन करने की। जाहिद भाई शाहीन शाह अफरीदी की बात की शोएब मोहम्मद ने, अब उनकी बॉलिंग को समझ उनके जो सबसे स्पेशल बॉल है इन स्विंगर जिसपे के बैट्समैन बिल्कुल परेशान होते हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने वीडियोज वगैरह देखकर बहुत काम किया होगा शाहीन शाह अफरीदी पर क्योंकि शुरू के ओवर में वो विकेटें निकाल लेते हैं उससे प्रेशर में आती है दूसरी टीम। देखिए एक एक बॉलर का ये मैं कहूंगा कि एक जब बॉलर शाहीन अफरीदी है जो है अब अपने आप को खुद एजुकेट करें क्रिकेट में 2018 से खेल रहे हैं ना, क्योंकि अब अगर आपकी अच्छी आ रही है तो ये मतलब नहीं आप अच्छी से कि आज अच्छे नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें लेकिन प्लान करेंगे उसके खिलाफ है वीडियोज देख कर प्लान करेगा ना डेफिनेटली राहुल द्रविड़ और उनकी। मैं इकबाल इस पे इतना नहीं मानता, हर हर आदमी को हर चीज पता है अच्छा मगर ऑन टाइम When you are facing the ball, right? वो काउंट करता है, हमने तो वो नहीं किया प्लानिंग धरी रहे तो कभी प्रैक्टिस ही मतलब बहुत कम या हल्के हल्के क्योंकि ग्राउंड मैच में है ना वहाँ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वहाँ तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बेसिक तो बन गई है। सही है, सही है। अब बेसिक के लेके चलना है आपने आपने अब काउंटर करना है तो जब तक आपके पास ये चीजें नहीं आएंगी तो आप तो फिर देना आउट ही रहेंगे और आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कस करेंगे पाली केले के हवाले से भी और पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से भी। कल के मैच में वो डेफिनेटली इसी तरीके से ही दूसरी विकेट है और बल्कि आपने देखा होगा कि एक विकेट छोड़ के कुछ प्रिपरेशन हुई भी थी दो विकेटें एक साथ बनी है मोस्ट लाइकली उस पर मैच होगा। लेकिन श्रीलंका चूंकि मेजबान है उसने विकेट तो अपनी मर्जी की बनाई होगी ना, उसका डिस्क्रिशन है ना, जिस मुल्क का ग्राउंड है ग्राउंड स्टाफ उसका है तो उसका डिस्क्रिशन नहीं होगा। बिल्कुल एडवांटेज पूरी दुनिया सब उठाते लेकिन जो बात है कहने की सराउंडिंग भी पूरा देखें कि उस ग्राउंड के चारों तरफ बहुत हरियाली है और इन विकेटों के ऊपर फॉरन जो विकेट्स हैं वो है रफ नहीं है हाँ। मतलब ग्रीन फुल ग्रीन है तो जो हमारा जो एडिड एडवांटेज जो रिवर्स स्विंग का है हाँ। वो कम हो जाता है। सही है इसी के शॉट जब पड़ेगा ग्रीन पे ही पड़ेगा तो वो रफन अप नहीं होगा हाँ, और वैसे भी अब तो आपको पता है कि दो बॉलें यूटिलाइज होती हैं। वन डे क्रिकेट में ग्रीन विकेट बनाना जो है नहीं बनाएंगे बहुत ही कम बनती है कोई नहीं बनाएगा। नहीं नहीं मैं बाजू वाली विकेट की बात कर रहा हूँ जिसपे शॉर्ट बॉल पड़ के जाता है तो हमारा जो एडवांटेज जो है वो वहाँ थोड़ा सा कम हो जाता जरूर है इस सीरीज के अंदर और खासतौर पर जो कल के मैच के अंदर हमने देखा ड्राइव और ये वाले जो शॉट हैं वो बहुत फ्लुएंटली लग रहे थे लेकिन जरा खिंची हुई बॉल के ऊपर वो शॉट नहीं लग रहे थे कि स्टैंड एंड डिलीवर के दूर की बॉल को ही आपने मारना और शुरू कर दिया। के खिलाफ फुटवर्क का भी तो इस्तेमाल कर रहे थे उनके बैट्समैन से ताकि वो बॉल की पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचना तो देखें जरूरी होता है तो और काफी रीजनेबली ग्रास बहुत छोटी छोटी परफेक्ट कंडीशन में वो ग्राउंड है तो जो आगे बॉलें ज्यादा हमें देखने में आई श्रीलंका वाले मैच के अंदर अब हमें वो गलती नहीं करनी है ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई जहाँ बॉलर करेगा वहीं आपने खेलना है ना लेकिन हम अपना माइंड तो बना के आएंगे ना कि बॉलर कहाँ गेंद करेगा कहाँ हम खेलेंगे। बॉल बहुत आसान क्रिकेट है जस्ट वॉच द बॉल प्ले अकॉर्डिंग टू द बॉल वो कोई प्रॉब्लम अगर टांग पे देगा तो टांग पे खेलेंगे ठीक है ठीक है ये तो नहीं यहाँ से खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत है आपको मतलब एक बॉल और चाहिए
जाएगा आपका हमसे। तो बॉलर जब गेंद करते हैं तो बैट्समैन का काम है अकॉर्डिंग टू द फील्ड देखे बिल्कुल, और दूसरी बात उसकी बॉलिंग देखे कि कहाँ कर रहा है, मुझे कहाँ खेलना चाहिए कहाँ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप बैट्समैनों के ऊपर पूरी टीम रिलाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। स्पॉटिफाई प्रेजेंट जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्लेयर्स लिस्ट भी आपके सामने लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक, स्पॉटिफाई प्रेजेंट्स जोश जगादे में, और जोश तो यकीनन कल जाग जाएगा जब पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे, बल्कि जोश तो आज से ही जागा हुआ है। लोग बड़ी बेचैनी बड़ी शिद्दत से मुंतजर हैं, हफ्ता है वीकेंड है और डे एंड नाइट मैच है, तो तमाम लोग तैयारियां करके बैठे हैं। और जब भी पाक भारत मुकाबला होता है तो समझ लीजिए कि बर सगीर पाक और हिंद में लोगों का क्रिकेट के हवाले से जोश जो है अपने नुक्ते उरूज पर नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से, जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से प्लेयर्स लिस्ट है, उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। ये प्लेयर्स लिस्ट है, फखर जमान, सबको पता है कि पाकिस्तान की अनचेंज टीम होगी। देखिए शोएब और जावेद भाई, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। आप समझते हैं यही टीम होगी जो प्लेयर्स लिस्ट है स्पॉटिफाई की? आप यही टीम होगी 11? शोएब आप दादा बिल्कुल बिल्कुल यही टीम होनी भी यही चाहिए मेरा तो ख्याल। अब इसमें देखना ये कि सारे लड़के फॉर्म में खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा आगा सलमान थोड़ा सा अंडर प्रेशर है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उससे रन नहीं हो रहे और उससे बॉलिंग भी पूरी नहीं करा रहे। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आपके पास सऊद शकील है जावेद भाई, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो फर्स्ट के खेलता है, अभी डबल सेंचुरी उसने श्रीलंका में बनाई। ये जो वहाँ पर हमारी मैनेजमेंट है ये वो, उनको देखना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं, अगर उसका फॉर्म वो नजर नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तो आप उसको फिर, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ 14 लड़के लेके जाते हैं, 14 आर केपेबल, आप हेजिटेट ना करें। अक्सर लोग हेजिटेट करते हैं कि 12-11 खिलाए जाए, 12-13 में कोई चांस ही नहीं, भाई लेके क्यों आए थे? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखे जो सलमान की बात हो रही है, प्लेयर जब रिवर्स स्वीप मारता है, जब उसको कॉन्फिडेंस फुल दिया गया हुआ हो, तो उसने कल परसों रिवर्स स्वीप मारा, जी जिस तरह वो आउट हुए थे नेपाल वाले मैच के अंदर रिवर्स स्वीप पे, वो रीजनेबली अच्छा खेलते हुए नजर आए। हाँ। आते के साथ ही उनको एक चौका भी, कॉम्पैक्ट बैट्समैन है वो वैसे, जी जी। हाँ। और उनका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है, सेंचुरी उसने स्कोर की, जी। तो वही मेरा कहना मतलब है कि उसको कॉन्फिडेंस उतना दिया गया हुआ है, बार बार खिलाया जा रहा है, तो वो आई एम श्योर के उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। सऊद शकील बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, इंडिया बड़ा मैच है और लेफ्ट हैंडर है, और अगर खुदा ना खासा टीम फंसती है तो उसको सबसे ज्यादा अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि वो ऐसा एक वाइट बैट्समैन है कि वो ट्रबल सम ट्रबल वाटर्स में से पाकिस्तान टीम को निकाल सकता है। दो साल पहले शोएब मैंने देखा था लॉर्ड्स के ग्राउंड पर, सऊद शकील को वनडे खेल रहा था, उसने 50 किए थे। अच्छा। वो जब मुश्किल सूरत आई वो सिंगल डबल फंस के कोई बहुत बड़े लंबी लंबी हिट नहीं मारता। एग्जैक्टली, तो वो मेरी बात उसी तरह, वही मैं कहना चाह रहा था कि मुश्किलात में ही इज वन रिलायबल बैट्समैन के जो जिसके ऊपर मैं तो रिलाय कर सकता हूँ। तो अगर कोई चेंज आ जाता है तो वो आई थिंक इट वुड बी फॉर द बेटर। जावेद भाई आपकी क्या राय है कि अगर लेफ्ट हैंडर एक डाल सकते हैं हम लोग मिडिल ऑर्डर में, सारे ऊपर वाले तो दो लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, उसके बाद आए बाबर, उसके बाद आए रिजवान, उसके बाद एक डाल सकते हैं और रिजवान, फिर उसके बाद शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, एक 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 ये टीम है खेल रही है और एक कुछ बाहर बैठे हुए हैं। अगर आपको ऐसे टाइम के जो इंपॉर्टेंट मैच है अगर आप समझते हैं तो लाजिम आते हैं, फिर आपने जिसको खिलाए हाँ उसमें अगर कोई फेल हुआ है तो आप जरूर बदल सकते हैं, चेंज करें। मगर अगर टीम अच्छा कर रही है, प्लेयर जिस है उनको हटा के और नए को लाना, नया तजुर्बा, नया नहीं, वो अंडर प्रेशर होगा पहली बात, वो खेला नहीं होता। क्रिकेट में क्या है,
एक भाग होते हैं, मगर जब मैच खेलने वो आखिरी मैच खेला है अफगानिस्तान के खिलाफ, आखिरी मैच खेला तो उसने अच्छा खेला है, तो उसको डालना चाहिए। मेरा मतलब आप जब खिलाते हैं और आप परफॉर्म करें, मैं आपको कैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन बात वही है ना कि अभी एक ही उस पिछले मैच के अंदर ये जो नहीं स्कोर कर सका, रिवर्स स्वीप पे आउट हो गया, अब वो अनजस्ट हो जाएगा कि इतनी जल्दी सिर्फ एक ही मैच के अंदर आपने उसको बाहर कर दिया। तो मेरा ख्याल है दे वुड प्रोबेबली पाकिस्तान वुड गो विद हिम विच इज फेयर इनफ, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारी टीम इस वक्त गुड कॉम्बिनेशन जो आपने अभी स्क्रीन पे स्पॉटिफाई वालों ने बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा प्लेयर है, अगर वो फेल हो जाते तो इसका मतलब उसको दे चांस, क्योंकि उसके आने से टीम को बहुत फायदा होगा और लॉन्ग टर्म हो जाता है। आपने गुफ्तगू मुलायदा की जावेद मियादाद और शुएब मोहम्मद की, अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान और भारत जब मद्दे मुकाबल आते हैं तो क्या होता है। रात 11 बजे की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर अपने दोनों मेहमानों के साथ और खुर्रम मंजूर टेस्ट क्रिकेटर के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।